देश की अर्थव्यवस्था फिलहाल मंद गति से चल रही है। कपड़ा उद्योग समेत कई उद्योग पर इसका असर देखने को मिल रहा है। महंगाई भी इस कदर बढ़ी हुई है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी इससे बचा हुआ नहीं है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार खत्म होने को है, लेकिन बाजार में करीब 50% मूर्तियाँ वैसी की वैसी रखी हुई है और मूर्तिकार को काफी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। गणेश चतुर्थी वैसे तो श्रद्धा और आस्था का त्योहार है, लेकिन महंगाई की मार श्रद्धा और आस्था के त्योहार विनायक चतुर्थी पर भी देखने को मिल रही है। गणेश जी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार के कारोबार पर भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। गणेश चतुर्थी का त्योहार खत्म होने को है, लेकिन अहमदाबाद के बाजार में 40-50% मूर्तियाँ वैसी की वैसी है। इस बार मैम बहुत मंदी का असर दिख रहा है और मूर्ति का सेलिंग भी बहुत कम हुआ है और हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है की संभावना है इस साल, क्योंकि मूर्ति का सेलिंग जो हम चाहते थे उस प्रभाव से, क्योंकि भाव बहुत बड़ा है और महंगाई के हिसाब से भी बहुत फर्क पड़ा हमारे धंधे में और मूर्ति भी हमारी काफ़ी बची हुई पड़ी है। पिछले साल मैंने 250 मूर्ति बनाई थी मैम, तो उसमें मैंने करीबन 225 मूर्ति जैसे 225 मूर्ति का सेलिंग हुआ था मेरा और 25-26 नंग मेरा बच गया था, वो मेरे घर पे मैंने संभाल के रखा था। इस बार सरकार ने कुछ मिट्टी का इको फ्रेंडली ऐसा कुछ लाया है, तो हमने इस बार 90 मूर्ति बनाया सिर्फ, और 90 में से भी अभी 40 मूर्ति अभी हाल में मेरे पास पड़ा है और मंदी इतनी है कि पब्लिक आ रही है पर जो हमारा रेट है वो भी हमको नहीं मिल रहा है। कपड़ा सोने चांदी जैसे बड़े उद्योग के बाद गणेश चतुर्थी के त्योहार में मूर्ति बनाकर बेचने वाले कारोबार पर भी असर देखने को मिल रहा है। जहां ये लोग ब्याज पर पैसा लेकर मूर्ति बनाते हैं और पूरा साल इसी मूर्ति के कारोबार के आधार पर ही घर चलाते हैं। वैसे में इस बार मूर्तियों की कम बिक्री की वजह से मूर्तिकारों को भी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार हमने 50 मूर्ति बनाई तो बिक दी थी, अगली बार बनाए ना तो 50 में से 30-20 मूर्ति बची थी, अभी बहुत मूर्तियाँ बच गई है, 30 मूर्ति का घाटा हो गया है। तो मूर्ति सस्ती मांग रहे, सब बहुत सस्ती है, 500 वाली मूर्ति है तो 300 में मांग रहे, हमारी खरीदी के बाहर हो जाते हैं। ये सब मूर्तियाँ नहीं है, हमारे घर में 1000 रुपये की पड़ती है, 500 रुपये में मांगते हैं, ग्राहक लोग को ऐसे बोलते हैं। मिट्टी की मूर्ति है ना, सस्ती भी मांगते हैं, अभी मिट्टी की बोला तो मिट्टी भी बनाई तो भी सस्ती मांगते हैं। मिट्टी में हमने बहुत मेहनत की, एक साल तक मेहनत करते तो भी पैसे नहीं मिलते हमको, हमारी खरीद दे के बाहर मिट्टी की मूर्ति बाहर चली जाती है। आपको बता दें कि न सिर्फ मूर्ति बेचने वाले बल्कि मूर्ति खरीदने वाले खरीदार भी महंगाई की मार से बचे नहीं हैं। अमूमन बड़ी मूर्ति खरीदने वाले खरीदार छोटी मूर्ति खरीद कर ही समझौता कर रहे हैं। खरीदार ऐसा करने के लिए क्यों मजबूर है, जरा सुनिए। हम हर साल यहाँ मतलब गुलवाई टेकरा ये गणपति की मूर्ति परचेस करने के लिए आते हैं, हर साल हम बड़ी मूर्तियाँ लेते हैं, लेकिन इस साल बहुत रेट ज़्यादा है तो हम छोटी लेने का सोच रहे हैं, और छोटी इसलिए सोचते हैं कि इको फ्रेंडली ले तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और मतलब सेहत के मतलब सबों के लिए अच्छा है, और आजकल लोगों मतलब पर्यावरण के हिसाब से मिट्टी की यूज़ करना चाहते, लेकिन मिट्टी का रेट इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि जो हम बड़ी मूर्ति लेते हैं POP की उससे भी मतलब ज़्यादा कोई कोई रेट बोलते हैं, और कोई फिक्स रेट नहीं है, कोई 1200-1500 बोलता है, कोई 500 भी बोलता है, और कोई मूर्ति ऐसी भी रहती है कि जो मतलब लगती है मिट्टी की लेकिन POP की हो सकती है, हम कैसे मतलब उसको तय करें कि ये POP है या मिट्टी है। पिछली बार और दाम में काफ़ी सारा फर्क है, 50-60% ज़्यादा है। ब्याज पर पैसे लेकर मूर्ति बनाकर गुजारा करने वाले इन मूर्तिकार के लिए एक और कर्ज बढ़ रहा है तो दूसरी ओर घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। वैसे में इनकी केवल एक आशा है कि मुनाफा मिले न मिले लेकिन खर्चा निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट गुजरात तक।